तालमेल की बात करते थे, दूसरों को अपने अंदर झांकने की बात करते थे कि आप अपने गठबंधन को देखिए, हमसे ज्यादा आप में दल है। 7 महीने के बाद ही टूट फूट शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए एकला चलो का नारा दे दिया है। क्या गठबंधन की तस्वीर आगे क्या रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसका जिक्र लगातार हम अपने प्रोग्राम में करते आ रहे हैं कि 22 जनवरी आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये गठबंधन कितना टिकने वाला है। और आज सुबह सुबह बड़ा झटका INDIA गठबंधन को लगा जब TMC प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि जहां तक चलना होगा हम अकेले चलेंगे। तो यानी ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस से खुश नहीं है, लेफ्ट पार्टियों से खुश नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अकेले चलने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, ना ही कोई सजेशंस माने, ना ही कोई प्रस्तावों पर चर्चा की, ना ही उन्हें ये पता है कि बंगाल में उनकी यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर वो खासा नाराज भी नजर आई। उनकी नाराजगी जो है उनके बयानों में साफ तौर पर नजर आती है। तालमेल की बात करते थे, दूसरों को अपने अंदर झांकने की बात करते थे कि आप अपने गठबंधन को देखिए, हमसे ज्यादा आप में दल है। 7 महीने के बाद ही टूट फूट शुरू हो गई है। गठबंधन में दल दल में तनाव की स्थिति हो गई है, ये तस्वीर आज निकलकर सामने आ रही है। जो ये कह रहे थे कि हम साथ मिलकर BJP का जो जीत का रथ है उसे रोकेंगे, वो ना तो खुद साथ चल रहे हैं, ना हाथ थाम रहे हैं, हाथ छोड़कर भागते हुए तमाम दल नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस का होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर खुद ही तालमेल नहीं है, वो देश का तालमेल क्या बैठा पाएगा। जो खुद के अंदर लीडरशिप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो दूसरे नेताओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, पूरी तरह से गलत है। सियासत शुरू कहां से होती है, गठबंधन में टूट कहां से शुरू होती है, शुरुआत कर लेते हैं बिहार से ही, क्योंकि बिहार से ही गठबंधन की नींव रखी गई थी और एक नीतीश कुमार ने एक माला में पिरोने की कोशिश तमाम दलों को, तमाम पार्टियों को की थी। तो नीतीश बाबू खासा नाराज से चल रहे हैं और अंदर खाने तो ये भी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव से भी वो अलग हो सकते हैं। मतलब नीतीश बाबू कुछ अभी कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं, तो हालांकि सुशील मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नीतीश बाबू के साथ जाएं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन राजनीति है, रातों रात सत्ता बदल जाती है और कब कौन किसके साथ चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए उससे आगे बढ़ जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस से, तो कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़कर आ जाइए, बंगाल की तरफ रुक कर लीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं आपने आज सुनी लिया होगा और सियासी तहलका उन्होंने मचा दिया है। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में भी अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन हाँ पंजाब में आज क्लियर हो गया है कि पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। पंजाब में कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। देखिए जहां दिल्ली और पंजाब की हम बात करें तो दोनों में ही कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन सत्ता से बेदखली कांग्रेस की आम आदमी पार्टी ने चुटकियों में कर दी और अब सीट शेयरिंग पर भी तय कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हम बार बार कहते आए थे कि आप रुक जाइए, जनवरी तो आने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि करके जो घटक दल है ना वो घटते जाएंगे, और यही नजर आ रहा है। हालांकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ठीक है हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, इसे स्पीड ब्रेकर ही मानिए। अब ये स्पीड ब्रेकर है नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए एकला चलो का नारा दे दिया है कि मैं तो अकेली ही काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दुटुक कह दिया कि सूबे की सभी 42 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के इस दाव के बाद
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी सिर्फ फॉर्मूले पर आगे बढ़ने के संकेत दे दिए। अब सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सूबे की सभी 13 सीटें जीतेगी। अब सभी 13 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सीधे तो नहीं कहा, लेकिन बात को घुमा फिरा कर तो कह ही दिया कि हम कांग्रेस को कुछ नहीं देने जा रहे हैं। अब इसे लेकर भी बातें होने लगेगी। चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन के छत्ते में अब कहां कहां कितनी पार्टियां रहती हैं, सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, अगर हिंदी भाषी और हिंदी पट्टी के दो प्रमुख राज्यों, दो प्रमुख दलों के दो प्रमुख नेताओं को लेकर बात करें, तो इंडिया गठबंधन को आकार देने में लीड रोल निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री, जिसका जिक्र मैं अभी कर ही रही थी, नीतीश कुमार के तेवर भी कांग्रेस को लेकर तल्ख हैं। जो अभी बैठक हुई थी ना कुछ समय पहले, तब से ही तल्ख नजर आ रहे हैं। लालू यादव के साथ उनकी बिगड़ती केमिस्ट्री और पाला बदल फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए में जाने की अटकलें भी हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपनी लकीर खींच खड़े हो गए हैं। तो यही बातें हो रही हैं, क्योंकि यही बातें हैं, यही मुद्दे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी के इस एकला चलो दाव ने नीतीश और अखिलेश जैसे नेताओं के लिए भी मंच सेट कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस पर इस गठबंधन में शुरू से ही आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस जो है वो दलों को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस फ्रंट पर खेलना चाहती है, बाकी सब बैकफुट पर आ जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजा सामने होना चाहिए। अब अगर अपने अपने गढ़ में हम बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, तो महारत हासिल है अपने गढ़ में। कैसे भाई पंजे को आगे हाथ ला देंगे? साइकिल क्यों नहीं आगे जा सकती उत्तर प्रदेश में, पंजा ही क्यों? उधर तृणमूल कांग्रेस के फूल क्यों नहीं आगे बिखर सकते हैं? उधर नीतीश बाबू क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? और झाड़ू क्यों नहीं आगे आगे सफाई कर सकती है? तो पंजा हमेशा आगे रहेगा जरूरी नहीं है, और ऐसा ही हो रहा है। नीतीश और अखिलेश के लिए मंच कहीं ना कहीं सेट हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ममता के इस दाव ने नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं एक तय सीट, या ये कहें कि तय मंच तैयार कर लिया है। सवाल बिल्कुल सटीक है। पश्चिम बंगाल और यूपी बिहार की सियासत में, सियासी प्रवृत्ति में, वोटिंग पैटर्न में बहुत अलग अलग भिन्नताएं हैं, और समानता लेकिन एक है, इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कांग्रेस तीनों ही राज्यों में ज्यादा सीटें चाहती है। उसकी मंशा गठबंधन सहयोगियों के सहयोग से इन राज्यों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने, सीटों की संख्या बढ़ाने। ममता बनर्जी के ऐलान से कांग्रेस की रणनीति को झटका लग गया है, क्योंकि कांग्रेस, देखिए आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कांग्रेस बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिहार में तो चलो इक्का दुक्का कहीं नजर भी आती है, पश्चिम बंगाल में भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी ना, वो नजर आती है। कांग्रेस चाहती थी कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश बाबू के जरिए जो है अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए, अपनी जमीन को तराश दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला कहाँ है? ममता दीदी कहाँ फटकने देंगी अपने एरिया में पंजे को? तो तगड़ा राजनीतिक झटका कांग्रेस को लगा है। अब कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें पाने के साथ ही गठबंधन सहयोगियों को साथ बनाए रखने की चुनौती बहुत बड़ी है। अब कांग्रेस को कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। क्या अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मजबूरन कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा? कांग्रेस ऐसा कह नहीं रही थी, लेकिन अब जो हालात गठबंधन के नजर आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है। कांग्रेस की बार्गेन पावर कम होगी, तो वहीं नीतीश और अखिलेश समेत अन्य राज्यों में मजबूत आधार रखने वाली पार्टियों के नेता भी मजबूती से अपनी शर्त रख सकते हैं। देखिए, ममता का ऐलान कांग्रेस के लिए संदेश की तरह है कि अगर वो गठबंधन रहना चाहती है तो फिर वो उन दलों की शर्तों पर चले जो दल वहां मजबूत है। बात तो सही है। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे नेता जो अपने अपने राज्यों में मजबूत जनाधार रखते हैं, उनके लिए कांग्रेस को उसकी सियासी जमीन दिखाने और अपने हिसाब से सीटें देने, अपनी शर्तें मनवाने के लिए माहौल कहीं ना कहीं मिल गया है। एक ममता बनर्जी ने मैट बिछा दिया है कि आइए हम खेला भी करेंगे और बहुत अच्छे से स्वागत भी करेंगे। बिहार यूपी की अगर हम बात कर लें, तो बिहार से लेकर यूपी तक कांग्रेस की अपनी डिमांड है। कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 10 लोकसभा सीटों पर दावा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सूबे में महज एक सीट पर जीत मिली थी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस प्रदेश में 25 सीटें मांग रही है।
अब यूपी कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीटें चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शिव शेयरिंग का आधार 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बने। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सूबे में गठबंधन से लेकर शिव शेयरिंग तक अपनी लकीर खींच रखी है। देखिए, सपा 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर सीट शेयरिंग चाहती है। अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की रणनीति साफ है। देखिए, गठबंधन सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस को 15 सीटों पर एडजस्ट करना ही करना है। सपा तो साफ कह चुकी है। सपा और आरएलडी के बीच 7 सीटों पर सहमति बन गई है। आरएलडी के कोटे में 7 सीटें जाने के बाद अब कांग्रेस के लिए सिर्फ 8 सीटें महज बची हैं। सपा ने जिस तरीके से शर्त रख दी है कि सीटों के साथ ही उम्मीदवारों के नाम भी बताइए, हम देखेंगे वहां संबंधित उम्मीदवार जीत सकता है या नहीं। देखिए, सपा ने तो अलग ही पूरा एक तैयारी कर ली है कि आप हमें उम्मीदवार का नाम बता दीजिए, हम पहले तय कर लेंगे कि वो जीत भी सकता है नहीं, तभी हम सीट देने के लिए तैयार होंगे, वरना भाई आप अपना देख लीजिए। सपा की कड़ी शर्त इस बात का इशारा हो रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को एक दर्जन से ज्यादा सीट देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से सीधी बात से बच रही जेडीयू नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग में हो रही देरी और 5 राज्यों में चुनाव के समय ठप पड़ी गठबंधन की गतिविधियों के लिए कांग्रेस पर निशाना साध दिया। तलखी का अंदाज दिखा रहा है कि जेडीयू परहेज कर रही है कांग्रेस से। लालू यादव की आरजेडी को सौंपी गई जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है। तो ये सारी तस्वीर जो है अब निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में गठबंधन को झटका दे रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सूबे की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में तो वैसे ही तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी। तो किसके सर पर ताज सजेगा और गठबंधन का, पहले तो गठबंधन का क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन का क्या होगा क्या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस रास्ते ताना बाना बुना गया, पटना में अलग अलग दलों के नेताओं का जुटान हुआ, गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ गई। पटना की बैठक में जहां नीतीश कुमार इस कवायद के ड्राइविंग फोर्स थे, तो वहीं बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस आ गई। संयोजक की बात आई तो गठबंधन एक संयोजक बनाने की जगह सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। पीएम फेस की बात आई तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। इन सबको लेकर नीतीश कुमार नाराज बताए गए। अब बंगाल से लेकर यूपी और पंजाब तक किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। इंडिया गठबंधन की तस्वीर आगे क्या रहेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि फिर मैं कह रही हूं कि हमने पहले ही कहा था कि आप 2024 शुरू होने दीजिए, जनवरी आने दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए अयोध्या में रामलला की, एक एक करके सारे मूर्छित होते हुए नजर आएंगे और आज तस्वीर वही नजर आ रही है। देखना यह है कि महज कुछ महीनों में क्या कमाल गठबंधन कर पाता है, क्या स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे या मक्खन जैसी गाड़ी गठबंधन की चलती रहेगी। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।